हाय फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपको डेली करंट अफेयर के क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर रोज करंट अफेयर के क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड मेगा ऑनलाइन चैलेंज कॉल्ड समाधान। ठीक है दोस्तों, समाधान नाम का मेगा ऑनलाइन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसको लॉन्च किया है MHRD ने। ठीक है, और ये MHRD है क्या? ये MHRD है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है, यानी कि इसके हेड कौन है? ये है रमेश पोखरियाल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रमेश पोखरियाल। और हाँ, ये इसको किसके साथ मिलके इन्होंने बनाया है? इसको AICTE के साथ मिलके MHRD ने बनाया है। और ये AIC काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, और ये AICTE के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? वो है अनिल सहस्रबुद्धे जी। ठीक है, कौन है? अनिल सहस्रबुद्धे। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रोग्राम है इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको दोस्तों इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टीज़ हैं उनको इंस्पायर किया जा सके कि हमारे जो अभी कंडीशंस हैं उसको फाइट करने के लिए नए नए इनोवेशंस कर सके और अच्छे आइडियाज दे सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पीपल हु आर डिलीवरिंग मेडिसिंस एट आवर डोरस्टेप अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। हमारे जो घर तक मेडिसिंस लेके हमारे द्वार में आके खड़े रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, उनको बोला जाता है स्वास्थ्य के सिपाही। ठीक है दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है? स्वास्थ्य के सिपाही। ठीक है, और ये किसके अंदर काम करते हैं? ये काम करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर काम करते हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ठीक है, याद रखने के लिए काफ़ी आसान है दोस्तों, हमारे जो PM है वो किस पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं? BJP में। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारे जो PM BJP है ये किसके अंडर काम करता है? ये रन करता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड डिजीलॉकर ऐप एज नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है दोस्तों, इसको किसने डिक्लेयर किया है? इसको भी डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी कि वही है MHRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। ठीक है, और उसके हेड अभी मैंने बताया था कि रमेश पोखरियाल जी हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो डिजीलॉकर ऐप के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि जो ये डिजीलॉकर ऐप है ये स्टोर करता है आपके सॉफ्ट कॉपी को। किस चीज़ के सॉफ्ट कॉपी को? आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो आपका, ये इसको स्टोर करता है। और हाँ, ये इसको ऐसे ही स्टोर नहीं करता, ये पहले इसको वेरीफाई करता है और फिर स्टोर करता है। ठीक है, और अभी इसको MHRD ने डिक्लेयर किया है कि आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स रहते हैं उनको ये भी वेरीफाई करेगा और स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ DGFT। ठीक है दोस्तों, DGFT के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। DGFT क्या है दोस्तों? DGFT ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है दोस्तों, और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक है दोस्तों, कौन है इसके हेड? अजय कुमार भल्ला। और ये अभी हेडलाइंस में क्यों है? क्योंकि ये जो DGFT है इसने जो हमारे जो मेडिकल गुड्स रहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स,
उनके ऊपर जो एक्सपोर्ट चार्जेस रहते हैं उनको अभी इसने कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो हेड हैं अजय कुमार भल्ला, ये हमारे होम सेक्रेटरी भी हैं। कौन है ये? होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड 5T प्लान। ठीक है दोस्तों, 5T प्लान किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, और ये जो 5T में जो 5T हैं ये किस किस चीज़ के लिए हैं? जो इसमें 5T हैं इनमें से पहला टी है टेस्टिंग के लिए, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा टी है वो है ट्रेसिंग के लिए, और जो तीसरा टी है वो है ट्रीटमेंट के लिए, जो चौथा टी है वो है टीम वर्क के लिए, और जो आखिरी टी है वो है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली के सीएम के बारे में आप लोग को तो पता होगा, वो है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, आप सबको ये बात पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड कोविड-19 मॉनिटरिंग ऐप? ठीक है दोस्तों, व्हिच स्टेट हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड कोविड-19 ऐप? दोस्तों इसको लॉन्च किया है तेलंगाना ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तेलंगाना ने। ठीक है, और ये काम कैसे करता है? हमारे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, जो भी हैं, चाहे वो नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, या फिर जो आशा कर्मचारी भी रहते हैं ना, उनको भी ये ऐप दिया जाता है, और उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग रहते हैं उनके भीतर जो भी कोविड-19 के कांटेक्ट में रहते हैं या फिर कोविड-19 के शिकार हुए हैं, ये सब लोग उनका डाटा इस ऐप में ट्रांसफ़र करते हैं, और होल स्टेट का डाटा जाके पहुंच जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना के वर्तमान के सीएम कौन है? तेलंगाना के वर्तमान के सीएम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं तमिलीसाई सुंदरंजन। ठीक है दोस्तों, कौन है? तमिलीसाई सुंदरंजन। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है इसको इन्होंने बर्मा स्मार्ट हेल्थ केयर के हेल्प से लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बर्मा स्मार्ट हेल्थ केयर है इसको सीईओ के बारे में भी आप जान ले तो अच्छा होगा। इसके सीए कौन है? इसके सीएम है धर्म तेजा नकरपू। ठीक है दोस्तों, इसके सीओ सीईओ कौन है? धर्म तेजा नुकरपू। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड रक्षा सर्व? ठीक है दोस्तों, क्या है? रक्षा सर्व नाम के एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। और इसको दोस्तों क्यों लॉन्च किया गया है? इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो क्वारंटाइन पीपल हैं, जिसको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप घर में क्वारंटाइन होके रहिए, चाहे वो बाहर के स्टेट से आए हुए हो, वो कोविड-19 के मरीज के कांटेक्ट में हो, या फिर बाहर देश से यानी फॉरेन से इंडिया आए हुए हो, उनको जो क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया है, उन लोगों के लिए ऐप को डिज़ाइन किया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों? जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनको हर घंटे अपना सेल्फी इस ऐप में अपलोड करना होगा। उससे क्या होगा? उससे पुलिस को इन सब के लोकेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ऐप है, और ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिज़ाइन किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, और हाँ, ऐसे ही एक सिमिलर एप्लीकेशन को मोहाली पुलिस ने भी इन्वेंट किया हुआ है या फिर डिस्कवर किया हुआ है, और इसका नाम क्या है? उसका नाम है कोविड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, किसने किया हुआ है इसको? और एक तो सिमिलर ऐप मोहाली पुलिस ने। किसने? मोहाली पुलिस ने, और उसका नाम क्या है? कोविड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों,
याद रखेगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आठवां क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर। किसने पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर जिसका शॉर्ट नाम है PSE, जिसका शॉर्ट नेम है PSE, उसको किसने डेवलप किया हुआ है? उसको दोस्तों डेवलप किया हुआ है DRDO ने। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का, उसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये क्यों डिज़ाइन किया गया है? जो हमारे मेडिकल स्टाफ्स हैं और डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, जो पुलिस COVID-19 के मरीजों के पास जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये एक चैम्बर रूपी बनाया गया है, एक चैम्बर के रूप में इसको बनाया गया है। इसके अंदर एक एक पर्सन जाते हैं और उनको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, वो भी 25 सेकेंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण इनोवेशन है, DRDO ने इसको किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानते हैं कि DRDO के चेयरमैन अभी कौन है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जानना। DRDO के चेयरमैन अभी हैं G. Satheesh Reddy, ठीक है दोस्तों। कौन है? G. Satheesh Reddy, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम। अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, उससे पहले आपको और एक बात बता दूं, DRDO ने और एक चीज़ डिज़ाइन किया हुआ है, वो है फेस मास्क, ठीक है दोस्तों। वो क्या करता है? वो डॉक्टर्स और नर्सेस को फुल फेस को कवर करता है। जो पहले मास्क रहते थे ना, उनमें आँख या फिर फोरहेड ये थोड़ा जगह खाली रह जाता था, लेकिन अभी इन्होंने जो मास्क डिज़ाइन किया हुआ है, उससे फुल हेड से लेकर नेक तक कवर रहता है, और कोई भी ऐसा आप शरीर का हिस्सा नहीं रहता है जो कि COVID-19 के कॉन्टैक्ट में आ सके, ठीक है दोस्तों। DRDO ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है COVID-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा नवा क्वेश्चन है, हु इज द CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर के CEO कौन है? ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको ट्विटर के CEO के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इनका नाम अभी सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडिविजुअल डोनेशन अमाउंट देने का प्रॉमिस किया हुआ है, और ये कितना है? ये है $1 billion का। जी हाँ दोस्तों, $1 billion का, और ये किसी भी इंडिविजुअल का हाईएस्ट डोनेशन है COVID-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इनका ये 28% जो इनका कुल इनका धन है, इसका ये 28% है, ठीक है दोस्तों। तो एक सलाम इनके नाम भी, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल है, रिसेंटली डाइड फेमस पर्सनालिटी बुलेट प्रकाश वाज रिलेटेड टू। फेमस जो पर्सनालिटी है बुलेट प्रकाश, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। ये रिलेटेड है एक्टिंग के साथ। किसके साथ दोस्तों? एक्टिंग के साथ। इन्होंने मोर देन 300 कन्नड़ फिल्म्स किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। कन्नड़ लैंग्वेज में जो फिल्म्स आती हैं, उनमें इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्म दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि इनका नाम बुलेट प्रकाश क्यों रखा गया है। इनको जो हमारा बुलेट बाइक है ना, रॉयल एनफील्ड, इनको ये चलाने का बहुत ही ज़्यादा जुनून था, इसलिए इनका नाम बुलेट प्रकाश रखा गया है। और हाँ, ये एक मेंबर थे रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के 2015 में, ठीक है दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर क्लासेस को हम यही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।